Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do reorder paragraphs. तो इससे पहले हमने speaking, writing और reading के multiple choice question answer कर लिए हैं, ठीक है? तो आज reorder paragraph करेंगे, जो कि काफी weightage है इसकी reading score में, ठीक है? तो ये मेरे contact details हैं, आप हमें contact भी कर सकते हैं, अगर आपको individual level पे coaching classes चाहिए, ठीक है? तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से एंड तक देखना है अगर आप रियली में रीऑर्डर पैराग्राफ समझना चाहते हैं, ठीक है, और पेपर में अच्छा स्कोर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक थिंग्स जाननी है, एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं। ओके, तो बेसिक थिंग्स टू नो अबाउट रीऑर्डर पैराग्राफ्स क्या हैं? देखें, आपको टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स होते हैं स्क्रीन पे रैंडम ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर ऊपर नीचे होता है, आपको वो टेक्स्ट बॉक्सेस करेक्ट ऑर्डर में लगाने होते हैं। जैसे अपना बचपन में नहीं किया करते थे, जैसे सेंटेंसेस को मतलब सही ऑर्डर में लगाना, ठीक है, तो वो एक पजल टाइप है ना, जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड सेंटेंसेस, तो वो है। अगर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस आपके करेक्ट ऑर्डर में लग जाते हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलते हैं उस क्वेश्चन के, ठीक है, और अगर एक या और टेक्स्ट बॉक्स रॉन्ग ऑर्डर में है तो फिर आपको पार्शियल स्कोर मिलता है। इसमें रीडिंग स्किल असेस होती है। आपको ये अभी समझने में ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, पर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको समझाऊंगी कैसे। बस ये समझ लो अभी बेसिक थिंग कि इसमें 2 से 3 आपको एग्जाम में आते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स। मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट, हमेशा ही कहती हूँ कि रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 1 से 3 मिनट ही लो हर पैराग्राफ को। आपको जो बेसिक चीज याद रखनी है, सारे सेंटेंसेस पहले पढ़ लो, एक ओवरऑल आइडिया ले लो कि एक्चुअल में बात किस चीज की हो रही है। जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ रीऑर्डर पैराग्राफ की, ये कितने सेंटेंसेस है, ए बी सी डी ई 5 है, ठीक है, आपको इनको 5 को ही ऑर्डर में लगाना है, तभी आपको गुड स्कोर मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्कोरिंग होती है वो पेयरिंग होती है। जैसे अगर ए के बाद आपने बी जो कि लगाना था आ गया सही, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर इसी तरह बी से सी, तो आपको 2 नंबर, सी टू डी 3 नंबर, डी टू ई 4 नंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर आपका कितना आएगा, 4, अगर 5 पैराग्राफ्स हैं तो आपके पेयर्स कितने बन गए, 4, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सी और डी जो आना था ऑर्डर में, आपने डी सी लगा दिया, ठीक है, डी सी, तो निचला भी पेयर खराब होगा और ऊपर वाला भी, तो आपको सिर्फ फिर एक ही नंबर मिलेगा ए और बी का, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो स्कोरिंग है, जो आपको मार्क्स हैं, वो कैसे मिलते हैं, वो आपको पेयर्स में मिलते हैं, ठीक है। जैसे ए बी एक पेयर बन गया, ठीक है, फिर बी सी दूसरा पेयर बन गया, ठीक है, सी डी, ठीक है, इसी तरह से डी ई, ठीक है, इस तरह से, तो आपके 4 मार्क्स बन गए। अगर आपने मान लो सी और डी मतलब ऊपर नीचे लगा दिया है, तो आप मतलब ए बी एक बन जाता आपका पेयर, फिर डी सी वाला ना बनता, क्योंकि यहाँ पे डी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, वो ये भी ना बनता, ठीक है, और ये भी ना बनता, और फिर सी ई ये भी ना बनता, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक पेयर गलत होने से आपका जो स्कोर है वो 4 से कितना हो गया, ओनली 1, तो ये एग्जाम में हो जाता है। इसलिए आपको सारे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज अच्छे से समझने जरूरी हैं, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। इसका स्कोर रीडिंग में जाता है, तो रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टास्क है, जो 2 से 3 आते हैं। आप एवरेज लगा लो कि 10 to 12 marks ये कैरी करते हैं, ठीक है। तो आगे जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, वो एक तरह से टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसको करते हुए। कुछ बातें हैं ग्रामर की जो समझनी जरूरी हैं रीऑर्डर पैराग्राफ अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है इतना समझना, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड, मैं बेसिक लेवल पे ही आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले जैसे नाउन है, नाउन थोड़ा सा समझ लो आप, कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर आप पीटी का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती ही है,
और आप इतना तो समझ ही सकते हो कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। जैसे माय फेवरेट थिंग टू ड्रिंक इज सोडा, तो सोडा यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह से माय फेवरेट थिंग टू ड्रिंक इज डाइट कोक, तो डाइट कोक क्या है, प्रॉपर नाउन। ये मैं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये हमें सेंटेंस के ऑर्डर में, जैसे हमें पैराग्राफ मिलता है उसमें हेल्प करते हैं, कि क्योंकि कॉमन नाउन यानी कि पहले आएगा, ठीक है, और फिर प्रॉपर नाउन आएगा, तो आपने ये याद रखना है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, फिर आप सेंटेंस की जो है फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मतलब सेंटेंस को ऑर्डर में नहीं लगा सकते। मान लो पहले सेंटेंस में किसी कॉमन नाउन की बात की है, तो दूसरे में आप वही सेंटेंस लगा सकते हो कि इसमें प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वो हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से आपको प्रोनाउन भी पता होने चाहिए। देर आर बहुत, मतलब और भी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, और तरह के प्रोनाउन होते हैं, पर मैं तीन ही डिस्कस कर रही हूँ, पर्सनल, पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्सनल की बात करूँ मैं, पर्सनल प्रोनाउन आई, माई, ठीक है, मी, ठीक है, ही, शी, दे, वी। और पोजेसिव, पोजेसिव जैसे जो मेरा है, माइन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज ऑफ हर्स, हर्स है ना, हिज, माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज। तो आपको प्रोनाउंस समझने क्यों जरूरी है, ये भी आपको सेंटेंस के ऑर्डर में हेल्प करेंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लो किसी का नाम है, नाउन है, मतलब ही राम, राम इज अ हैंडसम बॉय, अगला जो सेंटेंस होगा तो उसी को ही रेफर कर रहा होगा ही, तो राम की जगह पे ही, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर ये सेंटेंस, मतलब पहला इसमें नाउन है, तो उसी से रिलेटेड उसी की बात कर रहे होंगे आगे में, बस नाउन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। जैसे मैंने एग्जांपल भी ली हुई है, जॉन रॉबर्टसन वाज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन हिज फील्ड, तो ये एक पेयर बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो यही पेयर का सिस्टम आप वहां पे भी फॉलो करते हो जब आप रीऑर्डर पैराग्राफ कर रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको आर्टिकल्स भी हेल्प करते हैं, ए एन द, जैसे आपको बता दूं ए और एन, ये जनरल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, अ कॉपी, ठीक है, एन तो आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, जो ना वोवल्स होते हैं तो उनके साथ आगे एन आता है, ठीक है। तो ए एक जनरल बात करेंगे, अगर ए की बात कर रहे हैं, द जब आगे आ गया तो यानी कि उस स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, और हमेशा आपने याद रखना है कि जनरल के बाद ही स्पेसिफिक आता है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अब मैं जैसे बात करूंगी, लूसी इज द वीमेन हु वर्क्स एट द शॉप, बट देर इज अ मैन, अ मैन यानी कि हम इस मैन को नहीं जानते, अ मैन हम रैंडमली बात कर रहे हैं, दैट वर्क्स देयर टू, ठीक है, हमने ये बात कर ली। द इम्प्लीकेशन हेयर इज दैट द स्पीकर डज नॉट नो द मैन, वही मैं आपको बता रही थी ना, कि अगर हम ऐसे रैंडमली बात कर रहे हैं तो हम उस आदमी को नहीं जानते, एक अ मैन, कोई भी मैन हो सकता है वो। हाँ, ऐसी तरह से मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू अ कैफे, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं उन्हें उसी कैफे का रेफरेंस देना है, तो मैं कहूँगी आई वेंट टू द कैफे, द कैफे जिसके बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जब कोई भी चीज न्यूली इंट्रोड्यूस की जाती है, तो ए उसी बात को अगर हम बाद में रेफरेंस देके कहते हैं उसी चीज का, तो फिर द आ जाता है, द स्पेसिफिकली आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि आपको नाउंस की, प्रोनाउंस की और आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जो कि आपको हेल्प करेगी पैराग्राफ्स को अरेंज करने में इन अ राइट ऑर्डर, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, कॉमन नाउन पहले आएगा, प्रॉपर नाउन बाद में आएगा, इसी तरह से नाउंस आते हैं पहले, फिर प्रोनाउंस आते हैं, फिर आर्टिकल्स में ए एन वाला जो आएगा वो पहले आएगा और द बाद में आएगा, ठीक हो गया। तो जो अभी एडवांस बेसिक स्किल्स हम सीखेंगे वो आपने अच्छे से समझ लेनी है। सबसे पहले हाँ जी, तो सबसे पहले स्टेप वन है, फाइंड एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जैसे आपको मतलब पांच रीऑर्डर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ दिए हैं, सॉरी फोर ही लगा लो, चलो फोर आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, पैराग्राफ दिए हुए हैं, इसको आपने रीअरेंज करना है इन राइट ऑर्डर। तो आप सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा कि आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है,
वो पहला सेंटेंस होगा, ठीक है, जो पैराग्राफ में सबसे पहला सेंटेंस होगा वो ही इंट्रोड्यूस करेगा टॉपिक को। जब आपको पहला सेंटेंस मिल जाएगा आपको थोड़ा सा सेंस बनने लग जाएगी, फिर आप दूसरा तीसरा चौथा जो सेंटेंस है उसी को एक बेस बना के फाइंड आउट करते जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़े से हिंट हैं जो कि 100% तो अप्लाई नहीं होते, बट हाँ 99.9% अप्लाई होते हैं कि ये जो पहला सेंटेंस होगा कंजंक्शन के साथ नहीं शुरू होगा, जैसे बट है, एंड, येट, और, बिकॉज, नॉर, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, बहुत सारे और भी हैं जैसे हाउएवर है, ठीक है, और इन एडिशन, तो ये इन चीजों से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। वही 1% एक्सेप्शन इंग्लिश में हमेशा रहती है, आपको पता है इंग्लिश 100% तो कोई चीज भी राइट या रॉन्ग है ना नहीं वो करती, हमें इस चीज का पता है। तो बट अगर आप ज्यादा मतलब तीन में से आपके दो भी बिल्कुल सही चले जाते तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो डेवलप कर लेते हैं। तो ये आप ये याद रखना है कि ये स्टार्ट नहीं होते कंजंक्शन से, ठीक है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट फ्रेज ऑफ द सेंटेंस प्रोवाइड यू अ लिंक टू द टेक्स्ट सेंटेंस। मान लो आपने पहला फाइंड आउट कर लिया सेंटेंस जो कि इंडिपेंडेंट था, अब जो आप दूसरा सेंटेंस फाइंड आउट करोगे उस पैराग्राफ में से, तो आप पहले सेंटेंस में से कुछ कीवर्ड देखोगे या उसका लास्ट फ्रेज देखोगे कि उसने एंड कहाँ पे किया है, तो सेकेंड जो सेंटेंस है हमें फाइंड आउट करने में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसमें पहले सेंटेंस के लास्ट फ्रेज का जिक्र किया होगा, मेंशन किया होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, यस्टरडे आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी स्टॉप टेकिंग एडमिशंस, तो क्या है, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे इन्होंने एंड किया लास्ट सेंटेंस और इसी से ही अगला सेंटेंस शुरू हो गया, तो मुझे पता है कि अब ये मैं दोनों सेंटेंसेस को पेयर कर सकती हूँ, ठीक है, एक दूसरे के बाद ये आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहां पे भी ये अपनी स्ट्रेटजीज लगानी है। फिर मैं ये कहती होती हूँ कि अगर आपको पहले दो सेंटेंसेस मिल गए तो आप तीसरे की फाइंड आउट ना करो, आप तीसरा देखो कि कौन सा नहीं आ सकता, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और फिर कंपेयर करो बाकी की, क्योंकि कई बार पहला दूसरा तो मिल जाता है, पहला दूसरा आसानी से मिल जाता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा नहीं मिलता, फिर उस वहां पे गलती ना करो क्योंकि फिर अगले सारे गलत हो जाएंगे और आपका सिर्फ एक ही नंबर आएगा, जैसे कि हमने समझा था। मेरा यही रहता है कि आप तीसरा ना देख के कंपेयर करो, और एक ये इंपॉर्टेंट बात है, डोंट कंक्लूड द सेंटेंस दैट कन्वेज नेगेटिव नो टू द रीजन या सोल्यूशन विच इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक। अब जब आपने लास्ट सेंटेंस मतलब कंक्लूजन का मतलब लास्ट सेंटेंस होगा ना जो, वो मेक श्योर कर लो कि आप उसमें कोई नेगेटिव ना आए, जैसे कोई हम बात कर रहे हैं इट कांट बी, शुडंट बी, डज नॉट बी, नहीं, वो हमेशा जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो किसी चीज के बारे में अफर्मेशन देता हो। अफर्मेशन समझते हो आप, अफर्मेशन मतलब कि पॉजिटिविटी दे रहा हो, कि मान लो एक हमने ना रीऑर्डर पैराग्राफ किया था कि इम्प्लॉइज काम पे नहीं आते, तो वहां पे आंसर था इट कुड नॉट बी द रीजन बट इट कैन बी द रीजन बी, मान लो मनी, मनी इज नॉट द रीजन बट दे आर मोटिवेशन इज द रीजन व्हाई दे डोंट कम, है ना। तो हमने जो सॉल्यूशन या रीजन एंड में हम कई भी बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि अच्छा ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं था, हम कहते हैं कि ये था इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है, हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा हो। स्टेप फोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने लास्ट सेंटेंस हमने फाइंड आउट करना है वो इसी को बेस बना के हमने फाइंड आउट करना होता है कि नो नेगेटिविटी ना आए, जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये जब करोगे पैराग्राफ प्रैक्टिस में लेके आओगे ये सारी चीजें तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम कुछ 5 रीऑर्डर पैराग्राफ करेंगे जो मैंने आपको स्किल समझाई है उसको बेस बना के, तो होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं पहला हमारा क्या था, हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, वही करेंगे, पहले देखेंगे बट, ये पहले ही क्विकली देख लेंगे, बट से शुरू हो रहा है तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। द जर्मन इन्वेजन, हाँ ये प्रॉपर नाउन है, ऑफ पोलैंड ऑफिशियली ट्रिगर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हो सकता है, हम इसको मे बी एम लगा लेते हैं। मीनवाइल ये भी कंजंक्शन है तो ये पहला नहीं हो सकता। दे लैग्ड कंपैक्ट डिफेंस, दे प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन से भी कभी सेंटेंस पहला इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, यानी कि वो किसी नाउन को प्रेफर कर रहा है। इन द बिगिनिंग ये भी एक तरह से कंजंक्शन ही है
तो ये भी पहला नहीं हो सकता। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि पहला हमारा टॉपिक सेंटेंस बी है, जिसमें वो किस चीज की बात कर रहे हैं, द जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड ऑफिशियली ट्रिगर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जर्मन ने पोलैंड में इन्वेजन किया था, ठीक है, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो इसके बाद क्या आ सकता है, बट पोलिश फोर्सेस कुड नॉट डिफेंड अ लॉन्ग बॉर्डर। अच्छा हाँ, यही एड्रेक्टर यही आ रहा है। हाँ नहीं, कुड नॉट, इसके पहले भी ये है ना, जब जर्मन ने इन्वेजन किया पोलैंड का, ऑफिशियली ट्रिगर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन द बिगिनिंग, शुरू में ब्रिटेन एंड फ्रांस वर होपफुल कि पोलैंड शुड बी एबल टू डिफेंड हर बॉर्डर्स। तो इट इज द राइट आंसर ई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जर्मन ने वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर में ये सारे कंट्रीज थे, ब्रिटेन फ्रांस, तो इन्हें था कि पोलैंड अपने बॉर्डर को डिफेंड कर लेगी, ठीक है। तो ये लास्ट फ्रेज से हम अगला पिक करेंगे, पोलिश फोर्सेस बॉर्डर्स मतलब नहीं डिफेंड कर सकी, कुड नॉट डिफेंड अ लॉन्ग बॉर्डर, ठीक है। तो ये ए आ जाएगा इसके बाद, क्लियर हो गया। अब क्यों नहीं कर पाई पोलिश फोर्सेस, ये एक नाउन है और इसका प्रनाउन आएगा दे कहां किसको कहा गया, पोलिश फोर्सेस, कुड नॉट डिफेंड है, तो इसका आपने लिंक देखना होता है कि नाउन है तो उसका प्रनाउन। दे लैक्ड कंपैक्ट डिफेंस लाइंस एंड एडिशनली देयर सप्लाइंग लाइंस वर आल्सो पुअरली प्रोटेक्टेड, ये रीजन दिया हुआ है क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो डिफेंस लाइंस में लैक करी थी। तो सिंपल सा आंसर है इसका, डी आ जाएगा। और फिर एंड में हमारे पास क्या बचता है, सी बचता है, उसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसमें तो पता ही है कि मीनवाइल वर्ल्ड हैड वोकन अप टू द पोटेंशियल ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड कंट्रीज वर कंडक्ट टेस्ट टू एक्सप्लोइट द सेम, सेम मतलब उसी पोलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, पहले हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड आउट किया, ठीक है, फिर हमने दूसरा सेंटेंस जो फाइंड आउट किया वो एक्चुअल में मैंने कंपेयर किया कि क्या हो सकता है, मैंने ओवरऑल सारा पढ़ के ही उसको कंपेयर किया है। पहला मैंने पढ़ लिया मीनवाइल द वर्ल्ड हैड वोकन अप, ठीक है, सॉरी, जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड ऑफिशियली ट्रिगर्ड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, शुरू शुरू में उन्हें ब्रिटेन और फ्रांस को था कि वो अपने बॉर्डर डिफेंड कर लेंगी पोलैंड, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ गया ना, बट वो नहीं कर सकी, ठीक है, पोलिश फोर्सेस। फिर मैंने नाउन और प्रनाउन का फंडा लगाया कि पोलिश फोर्सेस है तो दे लैक्ड कंपैक्ट, इसके बाद ये आएगा, तो इसके बाद फिर यही बचता था ऑप्शन, तो ये आएगा। तो इस तरह से आपको ओवरऑल आइडिया लेना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी सेंटेंस कोई भी रीऑर्डर पैराग्राफ करना है। अगला एग्जांपल टू, आफ्टर अ क्रैश, ही प्रनाउन है, मतलब ही किसी की बात हो रही है, प्रनाउन, ठीक है, प्रनाउन से नहीं स्टार्ट होता तो ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होगा। आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन हिज पायलट ट्रेनिंग क्लासेस लिंडबर्ग, तो प्रॉपर नाउन आ गया, तो यानी कि शुरू हो सकता है इससे, तो हम मे भी लगा लेते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। ही फ्लू, वही प्रनाउन से, तो ये नहीं होगा। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, वही पोजेसिव प्रनाउन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल हमारा बी है जो वो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस हो गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया कि लिंडबर्ग टुक हिज फर्स्ट जॉब एज अ चीफ पायलट ऑफ एन एयर मेल रूट की बात कर रहे हैं, ऑपरेटेड बाय रॉबर्टसन एयरक्राफ्ट जो भी मिसूरी, ठीक है। तो उसका काम क्या था, एयर मेल रूट का। अब आपको ढूंढना होता है सेकंड, हमारा पहला तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लियर बी है, पहला इंडिपेंडेंस बी है। हमेशा नाउन को है ना जो डायरेक्टली, आप ये देख सकते हो कि प्रनाउन फॉलो करेगा डायरेक्टली, वो भी कौन सा, पर्सनल प्रनाउन। लिंडबर्ग टुक हिज फर्स्ट जॉब, तो लिंडबर्ग का पर्सनल प्रनाउन ही है, ठीक है, ही फ्लू द मेल। फिर ये डेस्टिनेशन बता रहे हैं, इन द हैवी लैंड बाय प्लेन स्प्रिंगफील्ड, ये तो नाउन के बाद प्रनाउन से हमने आइडिया लगा लिया कि बी के बाद सी आएगा। अब हमें ए और डी में कंफ्यूजन है और हमने पेयर के वाइज सोचना है, ठीक है, जब चार आते हैं तो हमेशा पेयर ही सोचा करो, मतलब एक एक। अब हम ये देखें कि सी के बाद बी आएगा या फिर ए आएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो देख लेते हैं। ये उसने यहाँ पे ही फ्लू द मेल इन डी हैवी लैंड डी फॉर पाइपलाइंस टू स्प्रिंग फील्ड, ये उसके रूट्स बताए हैं कि उसके मेल के रूट क्या हैं, शिकागो, यहाँ स्प्रिंग फील्ड, ठीक है, ये सारी जगह पे वो गया। तो सिंपल सी बात है, अपने टाइम के दौरान वो
इस मेल रूट पे जिसकी बात की है वो अपने जाना जाता था कि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, डी आएगा। और सर्कमस्टांस एनी मतलब, ठीक है, जनरल की बात की है, हमें पता है जनरल के पास स्पेसिफिक आता है एनी सर्कमस्टांस। तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये उसकी एक एग्जांपल भी दे दी कि आफ्टर अ क्रैश, कोई क्रैश हो गया होगा फिर भी उसने मेल साल्वेज की बर्निंग एयरक्राफ्ट, ये उन्होंने एग्जांपल दे दी। तो मैं वही कहती हूँ ना कि डी के बाद फिर ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो हमने बी और सी का तो लगा लिया था कि नाउन पर नाउन के उससे हिसाब से, यहाँ पे फिर हमने जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब एनी सर्कमस्टांसेस में उसने मेल उड़ाई, और फिर उन्होंने स्पेसिफिक एक एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर दिया। डी ए, डी ए। तो आप अगर चार अगर पैराग्राफ्स आते हैं मान लो, तो आप फोर पैराग्राफ्स का ऐसे पेयर बना सकते हो दो दो का, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको थ्री मिल जाएंगे, जैसे मान लो एक दो, मान लो एक यहाँ पे, एक ये वाला, दो एक ये वाला। मान लो आप डी ए बी सी बनाए तो भी कोई इतना वो नहीं पड़ेगा फर्क, एक नंबर आपका जाएगा। तो फोर में आपको ये वाली फैसिलिटी होती है कि पेयरिंग पे ज्यादा जोर दे लो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी, ठीक है, एग्जाम्पल टू की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल थर्ड पे, बहुत ही सिंपल है। इन एडिशन वही कंजंक्शन आ गई, तो ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। दूसरा, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैज डिस्कवर्ड टू अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल ऑर्बिट ऑफ अ सन लाइक स्टार, तो ये हो सकता है, मे बी लगा लेते हैं इसको। फोर ऑफ द प्लैनेट्स, यानी कि पहले बात हो चुकी है प्लैनेट फोर ऑफ द, मतलब उन प्लैनेट्स में से चार की बात है, यानी कि पहले बात हो चुकी है, तो इस ये नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट सेंटेंस। चलिए एक काम करते हैं, हाँ, यूजिंग ऑब्जर्वेशन गैदर्ड बाय नासा कैपलर्स मिशन द टीम, वो वही टीम की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे टीम की डिस्कशन हो चुकी है, और टीम, और मैंने बताया हुआ है ए के बाद द आता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया, पेयरिंग पेयरिंग हमने वही नाउन पर नाउन और आर्टिकल के सहारे से करनी है, यानी कि बी और डी का पेयर बनेगा, हमें ये पता चल गया। दीज न्यू सुपर अर्थ, अब सुपर अर्थ की बात कहाँ पे की है, यहाँ पे, ठीक है, ये नाउन हो गया, ठीक है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, तो हमें ये भी पता चल गया कि सी और ई का पेयर बनेगा। सिंपल सी बात है, आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया सी डी ई और ए इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकते, तो हमारा बी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। हमें क्विकली पता चल गया था कि बी के बाद डी आएगा, क्योंकि ए टीम के और टीम से हमने द टीम पे आ गए हैं हम। फिर यहाँ पे फाइव प्लैनेट्स की बात की है, देखें फ्रेजेस की बात की है, ठीक है, सॉरी लास्ट फ्रेज फाइव प्लैनेट्स, उन फाइव प्लैनेट्स में से फोर की बात की है यहाँ पे, यानी कि सी आएगा डी के बाद। फोर प्लैनेट्स को उन्होंने सुपर अर्थ बोला है, सुपर अर्थ की बात फिर इस पैराग्राफ में की है, दीज न्यू सुपर अर्थ, यानी कि सी के बाद ई आएगा, फिर एंड में हमारे पास एक्चुअल में बच क्या जाता है, ये वाला बच जाता है। तो ऐसे आपको कीवर्ड देखने हैं, आपको हिंट तो यूज करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे टीम फाउंड फाइव प्लैनेट्स, है ना, फाइव प्लैनेट्स में फोर की बात करी है, फिर सुपर अर्थ की बात करी है, सुपर अर्थ नाउन है तो उनको रेफर किया है यहाँ पे, एंड में जो बचता है फिर तो वो यही बचता है। तो इस तरह से अगर आप करोगे अंडरस्टैंडिंग बेस बना के, क्विकली एक तो आप कर पाओगे और आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं, इसको यही मैं फिनिश करती हूँ। अगले इसी के ऊपर ही बेस एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें कुछ और 5 से 6 रीऑर्डर पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजीज तो आपको समझ आएगी है, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ लें, अगर कोई नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू जी।